पूछते भी नहीं किसी का, गिरगिट है वो, रंग बदलते रहते हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग, आई होप भी बढ़िया होंगे। सो दोस्तों स्वागत है फिर से मेरे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ज्योति जी के घर पे। ये है ज्योति जी का घर और ये है ज्योति जी के पिताजी। तो अंकल जी पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार, मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। तो अंकल जी अपना पहले नाम बता दीजिए। रामबाबू सिंह। रामबाबू सिंह, ये बताइए कि जो शादी हुआ जो कौन से मानिए वो एक स्टार हैं और आप लोग भी जो कि इस शहर के आप जाने माने लोग हैं, लोग पहले से आप जानते थे या नहीं कोई जानते थे? फिल्मी के बारे में तो जानते हैं लेकिन पवन सिंह के नेचर सिग्नेचर के बारे में नहीं जानते। तो वो जो उनके फैमिली वाले आपसे कांटेक्ट किए, वो आए थे यहाँ? मैं नहीं गया। वो लोग आए थे यहाँ? वो लोग यहाँ आए थे जो फर्स्ट टाइम जो जब आए थे उस समय तो पवन जी भी आए थे उन साथ में? नहीं आए थे। मतलब ज्योति जी और पवन जी के बीच में उसके बाद कोई बात हुआ नहीं? मैं नंबर नहीं माना, नंबर ऊपर वो लोग नहीं दिया। ये मत आप ये जानते थे इससे पहले शादी से कि पवन सिंह से दोनों शादी हो? 35 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई, बच्चे थोड़ी कहे जाएंगे। ये जानते थे आप उनकी दो दो शादी हो चुकी है? मैं नहीं जानता। ये नहीं जानते थे आप? वो जानती होंगी ना ज्योति जी आपकी बेटी, क्योंकि सोशल मीडिया के माना वो भी नहीं जानते। कोई भोजपुरी से कोई लगाव ही नहीं हम लोगों को पता। दो दो शादी उनका हुआ है, उसके बाद जब वो शादी दोनों टूटा है फिर भी जिस तरह ये चल रहा है मुद्दा आपका, वो भी चला था मुद्दा, तो आप कहीं न्यूज व्यूज नहीं देखे थे? आपको नहीं पता था के बारे में? कुछ पता नहीं। जब शादी वो लोग तय करने आए, अक्षरा के साथ क्या रिलेशन है इनका, ये भी हमको पता नहीं। ये भी नहीं पता था। ये लोग सोचे तक का मौका भी तो नहीं दिए। दोस्तों जाहिर सी बात है कि इनको उनके बारे में कुछ भी जानने का मौका नहीं मिला और ना ही जानने दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि इनके हिसाब से कि लड़का लड़की के बीच में कोई मतलब खास कुछ भी 1% का भी बात नहीं हुआ, सिर्फ यही जो कि जाने हैं पूजे हैं और ये भी उनके बारे में नहीं जाने, उनके फैमिली के बारे में बस जाने हैं और कौन कैसा है कैसा नहीं है ये कुछ नहीं जाने। तत्काल में शादी कर दिए और आप जो देख रहे हैं अभी ये जो हुआ है ये मैटर काफ़ी तलाक तक पहुंच गया है और अभी केस चल रहा है, तो अब आगे क्या होगा भगवान जाने। और अभी केस दोनों तरफ से चल रहा है, तो अभी मुकदमा चल रहा है दोनों तरफ से, तो अभी कितना मतलब पेट ऑट पड़ चुका है? 5-6 महीने 7 महीने हो ही गया। मैं केवल डाइवर्स रोकने के लिए, तो हमने डाइवर्स रोकने के लिए यहाँ पे बलिया में केस ट्रांसफर। हाँ, तो इसके पहले यहाँ पर कौन सिंह आए थे तारीख में? इस दौरान कुछ बवाल हुआ था आए थे? पब्लिक क्या करती है पब्लिक? मतलब आपके घर से कुछ इसमें नहीं प्रॉब्लम? ना। तो क्या मतलब कोर्ट क्या अभी तक कोर्ट के किस कहाँ तक पूछे क्या बताया जा रहा है? 20 तारीख को है जज साहब बुलाए वकील से, जज साहब पूछे। तो ज्योति जी हैं मतलब इनके तरफ से कोई गलती नहीं है, मतलब ये चाहती है किस तरह से मतलब मैं गुजारा कर लूँगी, छात्रा ले लूँगी, रहने के लिए जा रहे हैं। कौन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि 3-3 शादी हो चुका है, उनके पिताजी का डेथ हो चुका है, वो भी इस इंतजार में वो भी अपने पोते को देखे, लेकिन कौन सिंह अपने फैमिली के और अपने बारे में कभी सोचते नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं कि उनका 3-3 शादी हो चुकी है और एक भी बच्चे अभी तक नहीं हुए? तो उनके माता पिता का भी ख्याल था, उनके पिताजी का तो डेथ हो चुका है और उनके माता जी हैं, उनसे कुछ बात होता हुआ आपका? अब किसी परिवार से कोई बात ही नहीं होता है, मतलब वो कह रहे हैं कि हम ज्योति जी को मतलब नहीं रखें, कह रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हम इस कारण से नहीं रखना चाह रहे हैं। बहुत ये सब हो गया, मैंने बहुत शीशा लेदर हो गया, अब कोई रखने का सवाल ही नहीं है। उनके दोस्त लोग फोन करते हैं हमको, पापा जी मतलब कि केस के हटाओ या तो रखते हैं, कैसे कैसे हो सकता है कि नहीं रखें? गिरगिट है वो, रंग बदलते रहते हैं। रंग अपने लोग को नहीं कुछ पूछते हैं तो पता नहीं क्या करते हैं, बाकी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग को दर्शक को बता दिए, दर्शक से फैसला करेगी। तो आप लोग क्या करना चाहते थे कमेंट कीजिएगा। और इनको कौन से मुंह पर बोला हूँ आप गिरगिट हो, रंग बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। बट आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए कि चाचा जी की हेल्प कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि कौन सी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी भी वीडियो दर्शक पहुँचे और इनका हेल्प हो। बट केस है आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान है और अच्छा ही होगा कुछ, क्योंकि पैसा से सब कुछ नहीं होता है, हर जगह पैसा ही नहीं जीतता है, कहीं भी सच्चाई का भी जीत होता है। और भगवान की कृपा होगा तो चलो जी, हम आपकी इजाज़त देते हैं, बहुत धन्यवाद।